चल जाए कि उस एपिसोड में क्या हुआ था और मैं अपडेटेड रहूं बिग बॉस 16 से। सो मैं बिग बॉस का सब स्क्रॉल कर रहा था और मैंने देखा कि कुछ एमसी स्टैंड के ऊपर पोस्ट है। सो ये नॉर्मल है, मतलब बिग बॉस अगर तुम फॉलो कर रहे हो तो तुम्हारा कोई कंटेस्टेंट है वो फेवरेट होगा, कोई कंटेस्टेंट तुम्हें पसंद नहीं होगा। पर इस सब पे मैंने जितने भी एमसी स्टैंड के लिए पोस्ट देखे सारे के सारे नेगेटिव पोस्ट थे। तो मुझे लगा कि भाई कोई एमसी स्टैंड को अप्रिशिएट नहीं कर रहा है या फिर क्या सीन है। तो मैंने सोचा कि एक एमसी स्टैंड के लिए अप्रिशिएशन पोस्ट डालते हैं और बताते हैं ये सब के लोगों को कि एमसी स्टैंड इज ए रीजन कि बिग बॉस 16 को अच्छी खासी टीआरपी मिल रही है और नई ऑडियंस भी एमसी स्टैंड ने खींच के लाई है। तो ऐसा नहीं कि एमसी स्टैंड के बारे में सिर्फ निगेटिव चीजें भी है, कुछ पॉजिटिव चीजें भी है जिसके बारे में डिस्कस किया जा सकता है। तो मैंने इस सब के ऊपर एक पोस्ट डाला एमसी स्टैंड के ऊपर, बट पता नहीं क्यों मुझे परमानेंटली बैन कर दिया गया इस सबसे। तो फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मेरे पास और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे मैं अपनी बात रख सकता हूँ और शायद जो मैं बातें इस वीडियो में बोलने वाला हूँ वो रेगुलर जो बिग बॉस ऑडियंस है उन तक भी किसी ना किसी तरीके से शायद पहुंच जाए। सो बिग बॉस के जो रेगुलर ऑडियंस है वो किसी भी हाल में एमसी स्टैन को बिग बॉस 16 का विनर बनते हुए नहीं देख सकते। वो एमसी स्टैन को छपरी समझती है, उनके म्यूजिक को ट्रैश समझते हैं। आई डोंट लाइक हिम फ्रॉम डे वन, ही डजंट रिस्पेक्ट एनी वन वुमेन पार्टिकुलरली, his mind, his language and rap are filthy and this incident goes to show he doesn't have a shred of humanity. So ye ek complete analytics video hone wala hai, maine kuch datas nikale hai jo ye prove karti hai ki agar Big Boss 16 ka winner voting ke basis pe decide hota hai to MC Stan ke aas paas bhi Big Boss 16 ke koi contestant abhi filhal mein nahi hai aur MC Stan ek bahut bade margin se Big Boss 16 जीत जाएंगे। कैसे? बिग बॉस 16 के जो बाकी कंटेस्टेंट हैं उनकी पीआर टीम ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि उनकी फैन बेस बहुत बड़ी है, उनके पास बहुत बड़ा सपोर्ट है, बट रियलिटी ये है कि एमसी स्टैन के फैन बेस के सामने उनकी फैन बेस कुछ भी नहीं है। सो हमेशा की तरह अगेन एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, एंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है फॉर श्योर। तुम एंटरटेन होके जाओगे, कुछ सीख के भी जाओगे। वीडियो को लास्ट से देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। दुनिया की बातें ये सब कोई आस नहीं है मेरे पास, पर हम नहीं आते पास तेरे साथ नाचे रात भर। अब ना कोई बात बची है दरमियां। आर्टिस्ट है जैक, गाने का नाम है माशा। अब प्रियंका की जो एंगेजमेंट रेट है वो है 8.01%। एमसी स्टैन प्रियंका से, जिन्हें की बिग बॉस 16 का वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट माना जाता है, उनसे अप्रॉक्स 5 टाइम्स ज्यादा फॉलोवर गेन कर रहे हैं पर डे। अगर हम बात करें शिव ठाकरे की, ही हैज 1.2 मिलियन फॉलोअर्स और शिव भी डेली अप्रॉक्स 11,000 फॉलोअर्स अपने इंस्टाग्राम पे गेन कर रहे हैं। और अगर हम शिव के एंगेजमेंट रेट की बात करें तो इनका भी एंगेजमेंट रेट बहुत बढ़िया है, 19.16%। सालीन बनौत 7.1K डेली फॉलोअर्स, निमृत 5.6K एवरेज डेली फॉलोअर्स गेन कर रही है, सुम्बुल 4K एवरेज डेली फॉलोअर्स, अर्चना 2.7K एवरेज डेली फॉलोअर्स। और अगर हम इन सब की डेली फॉलोइंग ग्रोथ को कंपेयर करें एमसी स्टैन के सामने ये कहीं पे खड़े नहीं होते हैं। तो कुछ लोग ये अब आर्ग्यू कर सकते हैं, मोस्टली जो बिग बॉस की टीवी सीरियल वाली ऑडियंस है वही करेगी आर्ग्यू कि एमसी स्टैन के पास पहले से फॉलोअर्स थे और उनके फॉलोअर्स उनकी म्यूजिक की वजह से आ रहे हैं। बट अगर तुम देखो, जैसे मैंने बताया एमसी स्टैन के पास सिर्फ 2 मिलियन फॉलोअर्स थे और अप्रोक्स 4 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स एमसी स्टैन ने बिग बॉस में आने के बाद गेन किया है। इसका मतलब कि इतने सारे लोगों ने एमसी स्टैन को बिग बॉस के थ्रू जाना और शायद उन्हें कुछ ऐसा दिखा हो जो बाकी लोगों को नहीं दिख रहा है, उसकी वजह से उन्होंने एमसी स्टैन को फॉलो किया है। बिग बॉस के पहले एमसी स्टैन के इंस्टाग्राम पे अप्रॉक्स 30,000 सब्सक्राइबर्स पर मंथ बढ़ा करते थे, जो कि अब बढ़ के 1 मिलियन के मार्क को भी क्रॉस कर गए। तो ये तो बात हुई सिर्फ इंस्टाग्राम की। अगर हम ट्विटर पे आ जाए तो ट्विटर पे भी एमसी स्टैन की जो फॉलोइंग है वो बाकी सारे कंटेस्टेंट से काफी ज्यादा है। वो अलग बात है कि बाकी कंटेस्टेंट की जो पीआर टीम है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो तुम्हें जो बाकी कंटेस्टेंट है वो बहुत बार, मोस्टली प्रियंका, हमेशा ही तुम्हें ट्रेंडिंग पेज पे दिख जाएगी विद मिलियंस ऑफ ट्वीट। ये समझ नहीं आता है कि जब मिलियन ट्वीट के साथ तुम अपने कंटेस्टेंट को ट्रेंड करा सकते हो तो लोग भाई उन्हें ट्विटर पे फॉलो क्यों नहीं कर रहे, उनके फॉलोअर्स इतने कम क्यों है। सो बिग बॉस मैं खुद पहली बार फॉलो कर रहा हूँ, मुझे खुद एग्जैक्टली पता नहीं है कि क्या बिग बॉस के विनर सिर्फ और सिर्फ वोट के बेसिस पे डिसाइड होते हैं या फिर नहीं, जैसे हम लोगों ने एमटीवी हसल पे देखा था कि
कि वो टोटली वोटिंग के बेसिस पे हुआ था और जिसकी फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा थी जैसे एमसी स्क्वायर की, तो वो जीत गए थे। और अगर एग्जैक्टली वैसा ही इस सीजन बिग बॉस 16 में होता है और सिर्फ वोटिंग के बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि विनर कौन होंगे, तो एमसी स्टैन को हराना इम्पॉसिबल है इस सीजन। और तुम लोग शायद ये भी सोच सकते हैं कि जो टीवी की ऑडियंस है जो बिग बॉस देखती है वो अलग है और सोशल मीडिया की जो ऑडियंस है वो अलग है, और टीवी वाली ऑडियंस शायद अपने कंटेस्टेंट को सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं कर रही है। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि हमें वोटिंग के लिए OTT प्लेटफॉर्म ही यूज करना है, वूट। और वूट अगेन एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। सो जो लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव है या फिर जो लोग इंटरनेट पे एक्टिव है वही अपने कंटेस्टेंट को वोट करेंगे, और यहाँ पे एमसी स्टैन की फैन बेस बहुत ज्यादा आगे निकल जाती है। सो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, जितना मैंने बिग बॉस देखा और जितना मैंने बिग बॉस को समझा, कि बिग बॉस एक मसाला वाला गेम है। यहाँ पे एक्टिंग करना होता है, तुम्हें ड्रामा क्रिएट करना होता है, और अगर तुम रियल अपनी साइड दिखाओगे तो तुम कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करने पे मजबूर हो जाओगे जो शायद तुम अगर घर के बाहर रहते या फिर रियल वर्ल्ड में होते तो तुम शायद नहीं करते। पर अगर हम बात करें एमसी स्टैन की, वो इन सब चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है। उन्होंने अभी तक अपनी पर्सनैलिटी को रॉ रखी है और उनकी एक रियल पर्सनैलिटी जो है वो हमें कैमरा पे दिख रही है, नहीं तो इतने सारे लोग बेवकूफ नहीं है कि जाके सोशल मीडिया पे या फिर ट्विटर पे एमसी स्टैन को फॉलो करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, ये पहली बार ही हो रहा है कि बिग बॉस ज्वाइन करने के बाद किसी कंटेस्टेंट के अप्रॉक्स 5 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर सोशल मीडिया पे बढ़ जाएंगे। और जो लोग एमसी स्टैन के ड्रेसिंग स्टाइल, एमसी स्टैन के हेयर स्टाइल, एमसी स्टैन के बात करने के तरीके का मजाक बना रहे हैं, उनको एक जोरदार चमाटा मिलने वाला है, क्योंकि बिग बॉस 16 के विनर या तो फिर रनर अप गारंटीड फॉर मी बनने वाले एमसी स्टैन। और मैं यहाँ पे रनर अप इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे